ये रिलू एरिया है, एक्स मिनिस्टर लेट दामो रिदा जी सर से उनका एरिया माना जाता है। सड़क की हालत दिखाएंगे, सामने गाड़ी पलटी हुई है, एक बस पलटा हुआ है, और क्यों पलटा है आप लोग देख लीजिएगा। ये सड़क इतनी बढ़िया सड़क है यहाँ की, इतनी खूबसूरत सड़क, इस सड़क से लोग जाते हैं और अपनी जान को ख़त्म कर देते हैं ऐसी सड़क से। ये अभी तुरंत का मामला है, आप देख लीजिए वीडियो में कितनी बढ़िया सड़क है। ये देखते रहिए आप लोग, सड़क की क्वालिटी देखते रहिए। यहाँ तो पैदल चलना इतना मुश्किल है, तो बाकी लोग क्या ही बोल रहे हैं। ये गाड़ी कब पलटी थी? परसों रात में पलटा हुआ था। इसमें क्या कोई एक्सपायर भी हुआ था या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस गया। आप लोग उसको गाड़ी के उठाने वाले लोग हैं जी? गाड़ी को उठाने। रास्ता कुछ खराब है ना सर? रास्ता खराब है। गड्ढा बड़ा है ना, ये आप लोग इधर जाते रहते हैं, ये भी देख लीजिए। कंपनी का मालिक कौन है इसका? कंपनी का कला है, गारू में बैठा है क्या? क्या नाम है? गारू में बैठा है। अच्छा, ठीक है, जाइए आप लोग, जाइए, बचा के जाइए अपनी जान को। बहुत ये सड़क देख लीजिए, ऐसी सड़क के यहाँ के हालात है, और इसको दिखाने के बाद यहाँ पे केस कर दिया जाता है। मैं लोगों से पूछूंगा, अभी ये ट्रक भी आ रही है, आप खुद देख लीजिए कि कैसे हालत में लोग ड्राइविंग करते हैं, उनका ड्राइविंग करना कितना रिस्की काम है वो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ हम जैसे लोग तो गाड़ी बिल्कुल चला ही ना पाए, हमारी गाड़ी तो 2 मिनट में वो हो जाए। आप देख लीजिए गाड़ी के कैसे कैसे हालत हो रहा है। एक के बाद एक लगातार गाड़ियां आती जा रही हैं, और सभी लोग जो हैं यहाँ से यहाँ पर। आप गाड़ी चलाते रहते कैसा महसूस होता है आपको रास्ता देख के? बहुत दिल धड़कता है यार, ये दिल धड़कता है। कहाँ से हैं आप? हम टापो से आया, यही अरुणाचल के हैं आप। तो आपने कभी सड़क खराब होने की वजह से यहाँ के प्रशासन से ऐसा किसी से बताया कि सड़क खराब है? किसी को नहीं बताया। और कंपनी लोग मेंटेनेंस करता नहीं है। हाँ। जैसे खराब है ऐसे छोड़ता है वो लोग। हाँ। कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करता है। यहाँ के विधायक वगैरह कौन है? होगा कहीं इधर ईडू में होगा। हाँ। और इसका बाद ये सीसी में होगा। अच्छा, वो लोग करता नहीं है, काम नहीं करता वो लोग। हाँ। मतलब केवल वोट लेने आता है, काम नहीं करता। नहीं, अच्छी बात है, आप लोग अपनी जान बचाइए, आराम से आगे जाइए। तो इन लोगों को भी आप लोग देखते रहिए, ऐसे खतरनाक रास्ते से होकर लोग जाते रहते हैं, ये रास्ता है इनका, इनकी जान को जो जाती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं उनसे पूछना जरूर चाहूंगा। एक मिनट रोकिए थोड़ा सा, गेट को ओपन कीजिए थोड़ा सा, इनको देख लीजिए आप बेचारे को, गेट ओपन कीजिए एक बार थोड़ा सा। हाँ, ओपन नहीं होता। अच्छा, आप यहाँ जाते हैं, आप कितनी एज है आपकी? हाँ, 20 साल के। आप 20 साल के हैं, आप ऐसे खतरनाक रास्ते जा रहे हैं, आप हालत देख रहे हैं, कल को कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? रास्ता वाला जिम्मेदार होगा ना। आप 20 साल की उम्र है आपकी, ऐसे खराब रास्ते जा रहे हैं, गाड़ी आगे पलटी हुई है, ठीक है आप बचा के जाइए, सेफ जाइए। तो आप देख रहे हैं कि ये भाई साहब की उम्र ड्राइवर है, 20 साल है, अपने रोजगार की तलाश में अपने ड्यूटी करते हुए अपनी ट्रक चलाते हुए यहाँ से जा रहे हैं ऐसे खतरनाक रास्तों से। यहाँ पे कुछ भी हादसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन, यहाँ का स्थानीय जो लोग हैं उनको होना चाहिए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेते। जैसे कभी ट्रक ड्राइवर लोगों ने भी बताया कि वो लोग बताते हैं, उसके बाद भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, पहले टीके वाला का था। हाँ, तो अभी दूसरा कंपनी लिया है सर। अच्छा, और ये रास्ता इतना खराब है, गाड़ी आने का दिल नहीं होता है, फिर गाड़ी नहीं आने सर इधर में भी प्रॉब्लम हो जाता है, सामान हाँ, नहीं मिलता है। हाँ, तो हम लोग भी लाते हैं मजबूरी से बोल के, रास्ता हम लोग कितना बार बोलते हैं, लोग बनाने के लिए तैयार ही नहीं होता है,
रात में जाकर के उधर में गेम फैसिलिटी ही रोड वाला का है, जाकर के उसको बोले हैं तो बोलता है हमारा बुकेट नहीं है, तो हमारा मशीन चलाने वाला नहीं है। वो लोग को कोई सुन भी नहीं किया सर। रात को बोले थे, कह बोला कहाँ रहता है वो सर? इसका नीचे में है उसका। अच्छा अच्छा, यही कंपनी का है क्या या दूसरा का, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो गेम है सर। अंकल जी भी, मैं इनसे भी पूछूंगा। अंकल जी, हम और टीवी चैनल से हैं, हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, जिस सड़क से आप होते हुए आ रहे हैं, सड़क का हालत आप देख रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पे पलटी हुई है, तो आप इस रास्ते से रोज आते हैं या कभी कभी रुक के आते हैं? वैसे तो हम इधर कभी कभार आते हैं। कभी कभार आते हैं। अच्छा, दापोरिजो से। कैसा लग रहा है आपको, इतनी बढ़िया उच्च क्वालिटी की सड़क बनी हुई है? रास्ता तो बहुत खराब है। बहुत खराब है ना, लेकिन यहाँ तो बताया जाता है कि अमेरिका जैसी सड़कें बनी हुई है। तो क्या अमेरिका सड़क है सर ये, या क्या बोले, कहाँ की सड़कें लगती है आपको ऐसे देख के? हम लोग का यह तो सड़क तो क्या बोलेगा, बस्ती से भी बेहतर बनकर बैठा हुआ है। ये तो मेन बोलने से आप लोग का तो अपर सुबनसिरी का मेन हाईवे रास्ता ही है। हाँ। लेकिन तब भी तो ऐसा रास्ता है नहीं, ये तो ये मेन हाईवे रास्ता है। हाँ। और उसके बाद इसकी जो क्वालिटी इतनी जबरदस्त बढ़िया इतना बनाया गया है कि शायद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देखेंगे तो उनको शर्म आ जाएगी। वो तो हमारे आजाद भारत में इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। वो तो ऐसा ही होगा, कभी कभार बारिश में तो हम लोग इधर दो तीन दिन कभी कभार पास कर बैठ जाते हैं आना जाना में, मतलब दो तीन दिन तक कहीं बाहर नहीं जा पाते। हम लोग कभी कभार तो हम लोग का ये बच्चा लोग तो बाहर में पड़ता है। हाँ। तो कभी कभार बच्चा लोग को लेने जब जाता है तो ऐसा कभी कभार रास्ता में पड़ जाता है कि बारिश का सीजन में दो तीन दिन रास्ता में ही रुक जाता है। ओहो। उसका प्लस अपर सुबनसिरी में तो इतना प्रॉब्लम है, आपका गाड़ी ऐसे ये मालगाड़ी लोग ऐसे जब पास जाने का बात, तो हम लोग कभी कभार आलू का किलो उधर कभी कभार 100 रुपया में आ जाता है। हम लोग का उधर इतना दाम हो जाता है कि गाड़ी फंसने से महंगाई आलू 100 रुपए किलो ऐसे हो जाता है। अंकल, क्या आपने कभी यहाँ के जो MLA कौन है यहाँ का लोकल? वैसे तो हम लोग का उत्तर का तो ये आपका ये मंत्री बोलने से तो ये है नाकप नालो ही है। अच्छा, यहाँ नाकप नालो एरिया पड़ते हो? दापोरिजो का। हाँ, दापोरिजो का। यहाँ का तो अलग है। अलग है। और हम लोग का दुमपुरिजो का तो बोलने से तो दापोरिजो में कैसी सड़क है? दापोरिजो में ये जैसे ऐसे ही है, ऐसे सड़क है। नाकप नालो तो बहुत अच्छा अच्छा स्पीच देते रहते हैं, कभी गुजरात कभी मुंबई कभी ऑन का प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो वहाँ प्रोग्राम के लिए उनके पास समय मिलता है और सड़क बनवाने के लिए समय नहीं मिलता? तो ये हम लोग का ये अरुणाचल का तो लीडर लोग का तो ये पहले से जमाना से ऐसे है, जब पॉलिटिक्स जब आता है तो बोलते हैं बराबर भाषण पुकता है, उसका बाद मंत्री बन जाने का बात तो कौन पूछता है। ऐसे लोगों को क्यों मौका देते हैं आप, जो आपकी नहीं सुनते हैं, आपके डेवलपमेंट को नहीं सुनते हैं? वैसे आप... तो क्या करेगा उधर, जबकि लीडर जब उतर जाता है तो मजबूरी है बस्ती लोग का हिसाब से तो किसी को तो बनाना ही है। आप अपना तो अपना कितनी एज हो गई आपकी? मेरा तो ऐसे 38 हो गया। 38 38 हो गया, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना वो 38 पहुंचे, उसके लिए आप सुरक्षित लोगों को जरूर चुनिएगा, जो अच्छे लोग ईमानदार लोग हैं। हाँ। जिनके पास ऐसे करप्शन उनको मत चुनिएगा कि आपके बच्चे 38 पहुंचने से पहले किसी सड़क हादसे में एक्सपायर हो जाएं, क्योंकि आप सड़क की जो ये क्वालिटी देख रहे हैं ना, आप बुलेट से जा रहे हैं, एक स्लिप होते ही ये जो सामने खाई दिख रही है 1000 फीट गहरी खाई होंगी, आप बचेंगे नहीं, हेलमेट लगाएं कुछ भी लगाएंगे तो यहाँ जान बचेगी नहीं आपकी। तो इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का लोकल जो स्थानीय प्रशासन, जो यहाँ के IAS हैं वो हैं, और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो है, और यहाँ के जो विधायक लोकल वो लोग हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। ये सड़क का जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सुना, जो लोगों ने बताया कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, मतलब सरकार ने दिल्ली सरकार ने पैसा दिया हुआ है, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा गाड़ी पलटी हुई, हो सकता गाड़ी आदमी की जान तो नहीं गई, लेकिन अगर वो मर जाता, अपने घर का इकलौता होता, उसका परिवार तो खत्म हो जाता। अंकल जी, उसके लिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, आप लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? जागरूक बनिए और अपने वोट को जो है उसमें मत दीजिएगा कि कोई आपको पैसे का लालच दे, कुछ भी चीजें करे तो मत कीजिएगा, क्योंकि 10,000 या 1,00,000 रुपया जो है किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। मेन जो तो हम लोग का उधर ही सिर्फ नहीं है, अरुणाचल का पूरा हम लोग का अरुणाचल स्टेट का अंदर में यही पूरे स्टेट को जागरूक कीजिए, पूरे स्टेट को जागरूक कीजिए, क्योंकि पब्लिक का इधर हिसाब से तो लीडर को तो किसी को तो उतारना ही है। हाँ। लेकिन कोई भी लीडर आता है वही का वही बनते रहता है। मत मौका दीजिए, आप उनसे अगर पैसे नहीं लेंगे तो आप उनका कालर पकड़ सकते हैं, उनको अच्छा काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ले लिया तो आप बोलने का हक नहीं होता ना, आप उनके पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे, कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ तो वोट हमने सुना, जो हमने सुना है हमने देखा नहीं कि वोट बेच देते हैं लोग अपना, तो वो आप लोगों से अपील करेंगे कि बिल्कुल भी ऐसा काम मत करना, कोई भी मत करना, जिससे आपने थोड़ा 10,000, 20,000, 50,000 ना लेके अगर आपने अपना वोट फ्री में दिया ना किसी को, तो आपके पास इतनी पावर होगी कि आप उसको डांट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, अच्छा काम करवा सकते हैं। पैसा का बात तो ऐसे तो हम लोग का इधर तो ऐसे पैसा का बात तो चलता है चलने में तो, लेकिन तो पैसा को भी चलने देने वाला लोग ही तो मंत्री लोग ही है, MLA लोग ही है, वही करते हैं वो, तो देखो लालच देंगे आपको,
उनको जीतना तो लालच तो देंगे आपको, बहुत सारे लोग लालच देंगे, लेकिन जो आपको पैसा ना देना आप उसको ओढ़ दीजिए। जो पैसा इनसे लो, ये चोर आदमी है, सब चोर बैठे हैं, सबका पैसा लो, आपका ही पैसा है ये करप्शन का जो सड़क ये ना बना है, इसी सब चीज का पैसा है जो बचा के रख लिए हैं और चुनाव के टाइम आपके ऊपर यूज किया जाता है, तो उस पैसे को ले लो आप, रख लो, क्योंकि आपका पैसा है। इस सड़क से आप ये बुलेट लिए हैं, कितने साल हो गए बुलेट को? इसे तो मेरे ये बुलेट 5 साल हो गए। 5 साल हो गया, लेकिन ये हमको लगता है कि 2-3 साल बाद खराब हो जाएगी ऐसे रास्ते डेली अप डाउन करेंगे तो। मोस्टली इसको कम से कम 15 से 20 साल चलनी चाहिए, बुलेट बहुत मजबूत गाड़ी होती है, लेकिन ऐसे सड़क रास्ते में आपने 3 लाख की 2.5 लाख की बुलेट लिया और कल को खराब हो जाएगा तो जिम्मेदार तो इसका सड़क वाले होते हैं। आपने तो पूरा पैसा दिया, आपने कितना मेहनत नौकरी करते हैं उन सब चीजों से किया, तो सोचना जरूर थोड़ा सा। मेरा अपील है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। और आप ये सड़क का देख रहे हैं तो आप तो यहाँ से कितनी मतलब आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं सर? आते हैं बराबर बराबर आते रहते हैं, और ऐसी तकलीफ आप हमेशा देख रहे हैं? जी सर, क्योंकि अगर हम लोग नहीं देखेंगे सर, अभी बोले हैं ना सर आलू यहाँ पे 100 रुपया किलो हो जाता है, तो हम लोग भी नीचे वाला ये सोचते हैं अगर ऊपर नहीं जाएंगे सामान लेकर के तो लोग का भी मजबूरी होता है, तो इसका वजह सर हम लोग भी आते हैं। इससे अगला बार भी हमारा गाड़ी 4 दिन हम लोग सर नीचे में ब्लॉक में फंसे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ना कोई खाना है ना कुछ है, रोड वाला का कोई सुनवाई नहीं है, फिर हम लोग 300-300 रुपया पर गाड़ी वाला दे करके प्राइवेट जीसीबी वाला को बुला के रास्ता बनवा करके क्लियर हुआ था वो रास्ता। मतलब ट्रक वालों को गाड़ी वालों को बुलाना पड़ा जेसीबी को, हाँ, कि रास्ता क्लियर, रास्ता क्लियर। यहाँ का प्रशासन एकदम मतलब जो जिंदा लाश हो चुका है, कोई भी नहीं, बस नाम के प्रशासन में है, नाम के नेता है, बाकी मरे हुए आदमी के समान है। बहुत दुख की बात है, मैं आप लोगों की आवाज लगातार उठा रहा हूँ और उठाता रहूंगा। मेरे ऊपर भी केस हुआ होगा, मैं आकाश शुक्ला नाम है मेरा, मेरे ऊपर आलो पुलिस स्टेशन से सम्मन किया गया था, मैं वहाँ पे लौट के जा रहा हूँ, ईटानगर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं दिखाते हुए जाऊँ कि ऐसी, मैंने सड़क का ही वीडियो दिखाया था, सड़क का वीडियो दिखाने पे केस किया गया था, तो हम तो डरने वाले आदमी ने, मैं दिल्ली से हूँ, हमारे अंदर तो डर तो है ही नहीं, एक के ऊपर केस किया तो हम तो 100 वीडियो रिलीज कर रहे हैं। अब केस करते रहो आप, जितना केस करना आप केस कर लीजिए, हमारा कहाँ वीडियो दिखाना, हम दिखाएंगे, हम तो पत्रकार हैं अंकल जी। आपके यहाँ के पत्रकार जो कहते हैं वो भी ना एकदम पूरा, वो पर्सनल नेताओं के पीए बन चुके हैं कुछ पत्रकार, उनका काम होता है सड़क को दिखाएं, अगर वो दिखाएं अच्छा काम दिखाएंगे ना तो सड़क बनेगी, ये आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए ना। जो मंत्री यहाँ के लिए नितिन गडकरी पैसा इशू कर रहे हैं और इधर से अधिकारी उसको अप्रूवल देते थे काम हो गया है, इसका मेंटेनेंस का भी पैसा ले लिया जाता है, लेकिन पता चलता जब एक्चुअल में जाने पर वहां, तो वहां तो कुछ बना ही नहीं है, तो ये बहुत गलत है। आप लोग से अपील है, आप लोग जागरूक बनिए, सोशल मीडिया यूज कीजिए और टैग मारते रहिए, ट्विटर वगैरह यूज करके अपनी सड़क या अपने जो भी समस्या हो उसको टैग करते रहिए, और बाकी हमको भी आप अगर व्हाट्सएप या मैसेंजर्स वीडियो देंगे तो मैं प्राथमिकता देके चलाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना समय दिए, आप लोग अपनी जान की परवाह करते रहिए और बचा के गाड़ी थोड़ा सा चलाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।